सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए जगह जगह सीता रसोई के माध्यम से हजारों परिवारों की जरूरतों को पूरा किया है। ऐसे ही हर्ष विहार में भी सीता रसोई जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रही है। सेवा भारती के माध्यम से ये कार्यकर्ता घर घर जाकर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट दे रहे हैं। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। ये हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं ना, वो सरकार की जो दिशा निर्देश होते हैं, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से मानते हैं। ऐसा नहीं है सरकार ने जो तय किया है ये वैसे सोशल डिस्टेंस शब्द नहीं है और हम इसको सोशल डिस्टेंस कहना ही नहीं चाहिए। ये जो है ना, हम ये तो कह सकते हैं शारीरिक दूरी बना के रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंस जो है, और हम लोग और आप लोग सब मिल करके अगर इसको रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ड सोशल डिस्टेंस ना होकर के ये फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। और इसमें जो है ना, संघ के स्वयंसेवक जो भी सरकार होती है, जो भी सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, उसको मानते हैं और फॉलो करते हैं, पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो है, जब खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, और ये केंद्रों के लोग आते हैं, यहाँ कोई वैसे इंडिविजुअली नहीं बढ़ता है भोजन। जो इन्होंने केंद्र बना रखे हैं पूरे नगर के अंदर, 14 केंद्र बना रखे हैं, उन केंद्रों पर खाना जाता है। तो उन केंद्रों पर जब ये खाना जाता है तो 14 लोग आते हैं, तो ये आसानी से मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इसके अंदर एक देखा जाए, जैसे दिल्ली सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए और लॉकडाउन का भी असर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या इससे बीमारी फैलेगी? जो ये महामारी है, देखने में तो ये आ रहा है कि भारत ने जिस प्रकार से लॉकडाउन को सफल किया था अब तक, उसी वजह से हम इस महामारी को रोकने में सफल हो पाए। और ये लग रहा था कि अगर हम लॉकडाउन का सही ढंग से दिशा निर्देश और ये जो सरकार के गाइडलाइंस हैं उनका अगर हम पालन करेंगे तो बहुत जल्दी भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर सरकारें ऐसा सोचती हैं शराब के ठेके और ये सब करके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ने वाला है, ये बीमारी और तेज़ी से फैल भी सकती है। लेकिन सारी बातें अगर हम सरकार के ऊपर छोड़ेंगे तो ये कहीं तक अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें देश की जनता के ऊपर भी निर्भर करती हैं और समाज के ऊपर कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी होती है। उस सामाजिक जिम्मेदारी का हमको सबको ही निर्वहन करना चाहिए, हमको सबको पालन करना चाहिए और सरकार के ऊपर आश्रित न रह करके जो इस समाज के लिए उचित है, जो इस समाज के लिए आज की जो वातावरण है इसमें जरूरी है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। पूरे मंडोली नगर में संघ की तरफ से कितनी रसोई चल रही? जैसे शुरुआती में जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो झंडे वाला से भोजन के पैकेट्स आते थे, दोनों टाइम आते थे, लेकिन बाधाएं कुछ है, जैसे गाड़ी कभी पंचर हो गई, कभी जाने में लेट हो गया, कभी वहाँ पे पैकिंग में समय ज़्यादा लग गया, तो ये बाधाएं आती रहती थी समय कभी, और हमें जितने चाहिए होता था उससे कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता था। हमें आवश्यकता ये महसूस हुई कि नगर में हमें कुछ रसोई चलाने चाहिए, ऐसे करके आवश्यकता महसूस करते हुए हमने 6 रसोई अपने नगर में चालू किए। 6 रसोई लगभग में 2500 के आसपास पैकेट्स वो अपने नगर में वो वितरण के लिए तैयार होते थे। अभी के समय में कुछ रसोई वहाँ पर ज़रूरत के अभाव के कारण और कुछ व्यवस्था के अभाव के कारण भी बंद हुई। अभी 2 रसोई अपने नगर में नियमित रूप से दोनों टाइम के भोजन दे रहे हैं। उस रसोई में कितने लोगों का भोजन तैयार हो रहा है? यहाँ पे जो रसोई है ये 350 एक टाइम के लिए, यानी कि 700 भोजन के पैकेट्स यहाँ से, और दूसरी जो रसोई प्रताप नगर में है वहाँ पे 200 पैकेट्स की व्यवस्था है। आप कब तक करेंगे? जैसे सेवा कार्य की तो कोई सीमा नहीं होती, हम व्यक्तिगत रूप से अपने क्षमता के अनुसार नहीं कर रहे हैं, समाज के बंधुओं के सहयोग से ही चल रहा है। जैसे सहयोग में कहीं से हमें सिलेंडर मिल जा रहा है, कहीं से कोई दाल दे रहा है, कोई चावल दे रहे हैं, ऐसे करके ये व्यवस्थाएं चल रही है। इसमें समाज के बंधुओं की जब तक सहयोग मिलता रहेगा और आवश्यकताएं जब तक होगी समाज में, तब तक हम प्रयास करेंगे इसको चलाते रहने के लिए। इन जो रसोइयों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग वगैरह की क्या व्यवस्था है? जैसे सामान्य जो यहाँ के लोग हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं,
तो कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हम पूरे जो नियम का पालन होना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे, लेकिन अधिकतम हम प्रयास करते हैं कि इसका पालन हो। जैसे यहाँ पे हम सैनिटाइजर न दे करके साबुन से हाथ धुलवाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मास्क नियमित रूप से हो, इसलिए हमने हैंडमेड मास्क उनको दिए कि ये डेली बदलने से कहीं ना कहीं हमें समस्याएं बढ़ती थी। तो ऐसा दो मास्क देने से वो नियमित धुल करके बदल करके पहनते हैं और मुझे लगता है कि हम लोग मैक्सिमम जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। नगर हमारा मंडोली नगर है, जो यमुना विहार विभाग है, इस यमुना विहार के अंदर मंडोली नगर ही आता है, तो उसी मंडोली नगर के अंदर हर्ष विहार है, तो हम यहीं हर्ष विहार में अपनी रसोई चला रहे हैं। यहाँ ये रसोई कब से आपने शुरू? ये रसोई हमने यहाँ 15 अप्रैल से प्रारंभ की थी और आज उसका 27वां दिन है और ये दोनों समय रसोई हमारी चल रही है, दोपहर को भी और शाम को भी। यहाँ से आप ये कितने लोगों को यहाँ से आप खाना देते हैं, क्या डायरेक्ट? नहीं, यहाँ सबके घर घर नहीं जाते हैं। यहाँ से हमने 14 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो 14 पॉइंट हैं और हर एक पॉइंट के अंदर दो दो कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ 28 कार्यकर्ता आते हैं और ये यहाँ अपनी बाल्टी में या अपने किसी पात्र में भोजन लेकर जाते हैं और फिर गली गली में जहाँ भी आवश्यकता होती है पूरे परिवार में वहीं जाकर देते हैं। ये हम परिवार नहीं बुलाते हैं, ये केवल हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो स्वयं घरों तक जाते हैं। अच्छा, इस रसोई में मतलब सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए? इस रसोई में सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। जो भोजन बनता है बहुत सावधानी से बनता है, जो सामाजिक दूरी है उसका ध्यान रखा जाता है और हम जब भोजन बन जाता है ऐसा नहीं कि सभी लोग इकट्ठे होकर आ जाएं। जैसे भोजन बनता है तो हम अपने हर केंद्र पर जहां जहां हमने केंद्र बनाए हुए उन्हें फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन करने के बाद ही भोजन लेने आते हैं। और इसके बाद हम जो जिस तरह गैस जल रही है, पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है, रेत भी हमने यहाँ रखा हुआ है कि कोई भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो हम उस पर काबू पा सकें। आपको ये जो कार्य कर रहे हैं तो इस रसोई में और क्या क्या सहयोग मिला और क्या कोई ऐसा प्रसंग है? हाँ, इसमें सभी लोगों का हमें आसपास भी सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग जिस तरह धन की व्यवस्था कर रहे हैं, चावल और जिस तरह भी और भी सब चीज़ें दे रहे हैं। और ये नहीं कि सब कोई बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं। अभी कल की बात है कि कल मैं पालक लेने गया और मैंने पालक का भाव पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा पालक 30 रुपये किलो है। तो मैंने कहा जी भाई साहब इस तरह जो भोजन बन रहा है, तो कह रहे ठीक है भाई साहब मैं आपसे एक भी पैसा प्रॉफिट कर नहीं लूँगा। और उन्होंने जो है केवल 20 रुपये किलो में पालक दिया और जब पालक 5 किलो तोल दिया उसके बाद भी एक गड्डी उन्होंने और डाल दी। और फिर कल एक कड़ी बनी थी परसों, तो उसके लिए मिर्च लेने गए तो मिर्च 30 रुपये की थी और उन्हें भी इस बात का पता चला है कि ये जो कार्य सेवा के लिए चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब केवल 2 रुपये में इसमें कमा रहा हूँ और 2 रुपये भी उन्होंने अपने वापस कर दिए। तो इस तरह लोगों को बहुत सहयोग, बहुत प्यार मिल रहा है और कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ समझने और सोचने को भी हैं मिली हैं। आपके घर में ये रसोई चल रही है तो आपको ये डर नहीं लगता है कि सैनिटाइजिंग मतलब ये जो कोरोना बीमारी है ये कहीं फैल सकते हैं, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपको कोई? सब लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं अपने सैनिटाइजिंग का भी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो कोई डर नहीं है हमें इस चीज़ के लिए। आपके पति भी हैं इसमें पूरा वो कर रहे हैं और आप भी इतना लगी हुई हैं, तो आपको इससे मतलब कितनी प्रेरणा मिलती है इससे? बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे जितने भी सारे यहाँ पे हमारे हलवाई से लेके बांटने वालों तक बहुत ही मेहनत से लगे हुए हैं। धूप हो, गर्मी हो, हर तरीके से कैसे भी हो, लेकिन वो लोग अपने टाइम से काम करते हैं, तो हमें सभी लोग लगे हुए हैं, हम ही नहीं लगे हुए खाली। महिलाओं को आप क्या कहेंगी कोरोना से बचने के लिए या क्या करना संदेश देंगे? यही कि अब सोशल डिस्टेंसिंग और ये सैनिटाइजिंग, यही सब चीज़ें, अपनी सेफ्टी, घरों में रहना, जो नॉर्मल सब बोल रहे हैं उसी का ध्यान रखा जाए। एक महीने से खाना बना रहे हैं? 400 आदमियों करीब, कोई पैसा नहीं, निस्वार्थ सेवा, कोई पैसा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे को अच्छा लगा कि किसी मेरी वजह से किसी को खाना मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। नहीं, ये हमारे भाई साहब हैं देवेंद्र जी और अरुण जी, उन्होंने मुझे बताया तो मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, हम दोनों टाइम बनाते हैं खाना। यहाँ ये जितने लाइन में लगे हुए हैं सब लेने के लिए, सब कैसा? ये सब कार्यकर्ता, ये सब संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ के कार्यकर्ता अपनी बस्तियों में जा कर के भोजन दे रहे हैं सभी को, गरीब लोगों को चुन रखा है, जो इस भोजन लायक हैं उन्हीं को भोजन दिया जा रहा है, किसी भूखे व्यक्ति को, ये नहीं कहे जो जिसका पेट भरा हुआ उसको हम भोजन नहीं दे रहे, गरीब लोगों को ही भोजन दे रहे हैं, जिसको उम्मीद है कि मुझे शाम को भोजन नहीं मिलेगा। हम इसका आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसको जरूरत? घर घर जा करके, हम घर घर जा करके पता लगाते हैं और हम पे बाहर की कॉल, हमारे ऊपर से संघ कार्यालय से, ऊपर से सेवा भारती से कॉल आती है कि हमको फलाने आदमी को भोजन चाहिए, तो हम उसके घर के घर पर जा करके तहकीकात करते हैं, तब जा करके हम उसको चेक करके भोजन देते हैं। एक मिनट, यहाँ से आप कितने लोगों का खाना लेकर? 10 परिवार का।
10 परिवार का भोजन ले जाता हूँ। प्रत्येक परिवार में लगभग 4-5 सदस्य हैं, तो लगभग 40-50 सदस्य को भोजन देते हैं। तो यहाँ से आप जो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते समय भी क्या सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक ध्यान रखा जाता है, और हम अपने हाथ में ग्लव्स लगा करके और उनके बर्तनों को भी ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से भोजन को वितरण करते हैं।